दोस्तों लौकी में ढेर सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, फिर भी बहुत से लोग खास करके बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें वो टेस्टी नहीं लगती। तो घबराइए नहीं, आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा, प्लस आपको फ्री रेसिपी मिलने वाली है साथ में लौकी के जूस की, जिसे पीकर आप लौकी के जैसे पतले भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो हलवा है ना, बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको आज सिखा रही हूँ, शायद ही आपने पहले ऐसे देखा होगा या बनाया होगा। सभी आपके दीवाने हो जाएंगे, एक बार आप अपनी फैमिली को ये हलवा बनाकर खिलाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा और कुक विद उषा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ 800 ग्राम लौकी ली है और लौकी को हम आगे पीछे से काट लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लौकी जो है वो सॉफ्ट लौकी मैंने ली है, ताजे वाली लौकी आपको लेनी है और फिर इसका जो छिलका है वो निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से छिलका इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब आप क्या कीजिए कि दो हिस्सों में इसको डिवाइड कीजिए और इस तरह से टुकड़ों में काट लीजिए। टुकड़ों में इसलिए काट रही हूँ कि हम देखेंगे इसमें बीज होंगे तो निकाल लेंगे, लेकिन एकदम सॉफ्ट लौकी मैंने ली है तो बीज इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी लौकी मोटी है, उसमें ज़्यादा गुद्दा है, तो थोड़ा थोड़ा आप अंदर की साइड से निकाल लीजिएगा। और ये देखिए क्योंकि सॉफ्ट है तो लौकी को काटने की भी जरूरत नहीं है, छोटी लौकी को आप डायरेक्ट कद्दूकस कर सकते हैं, और चाहे आप मोटी साइड से कद्दूकस करें या पतली साइड से, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा जूस होता है, तो हमें क्या करना है कि लौकी को कॉटन के कपड़े में डालना है इस तरह से, और इसका जो एक्स्ट्रा जूस है वो हम निकाल लेंगे, तभी आपका हलवा टेस्टी बनेगा। अब आप बोलेंगे कि सारे विटामिन्स मिनरल्स तो आपने निकाल दिए, अब हेल्दी कैसे होगा? तो घबराइए नहीं, पहले आप इसका जूस निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से इसको आप थोड़ा थोड़ा प्रेस कीजिए और जितना जूस हो सके आप निकाल लीजिए। तो दोस्तों ये जो जूस है ना, बहुत ही काम का है और बहुत ही फायदेमंद भी है, ढेरों इसके फायदे होते हैं। इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम बनाएंगे जूस। तो पहले आप देख लीजिए कि किस तरह से हमने इसे निचोड़ा है। ये देखिए हल्का हल्का इसमें पानी रहता है, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर इसमें है, बस इसी तरह से होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से आपकी टेंशन को कर देती हूँ खत्म और आपको सिखाती हूँ कि लौकी का जूस कैसे बनाया जाता है। ये लीजिए जो बचा हुआ जूस था ना, हमने निकाला था वो डाल लिया। इसमें डाल लीजिए थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। अब क्योंकि ये प्योर है तो थोड़ा सा हम इसमें पानी भी मिक्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लालच भी नहीं करना है, थोड़ा मिक्स करके पियेंगे तो ज्यादा अच्छा है, टेस्टी भी लगेगा। बस आधा नींबू का रस या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नींबू का रस डाल लीजिए, इसको स्टर कर लीजिए और आप चाहे बच्चों को पिलाकर देखिएगा, बहुत जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया टेस्टी होता है ये। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब ये देखिए यहाँ मैंने 1 किलो फुल फैट दूध लिया था, उसका मैंने मावा बनाया है। और मावा बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन दोस्तों मावा बनाने से डबल फायदा होगा, ये टेस्टी भी होंगे और आप एक दिन पहले भी मावा बनाकर रख सकते हैं, फिर 10 मिनट में आपका हलवा तैयार हो जाएगा। ये देखिए बहुत से लोग दूध में डायरेक्ट बनाते हैं तो उससे उतना टेस्टी भी नहीं होता है, तो क्यों ना आप पहले ही मावा बनाकर रख लें। ये देखिए मावा जब भी बनाए ना, चौड़े बर्तन में ही बनाया कीजिए, बहुत से लोगों को परेशानी आती है मावा बनाने में। तो मावा तैयार है, अब आप 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डालिए और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बहुत जबरदस्त आपका हलवा बनेगा, लेकिन बच्चों को भी तो खिलाना है ना, बच्चों को तो पहले चीज देखने में अच्छी लगनी चाहिए तभी वो खाते हैं। तो बस ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट कर लिए, अब उसी घी के अंदर आप ग्रेटेड यानी कद्दूकस की हुई लौकी को डाल लीजिए, 2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर भून लीजिए। तो देखिए एक ही वीडियो में आपको दो दो रेसिपी मिल गई ना, तो आप फटाफट से अब लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों आपके लाइक और शेयर करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन हमें थोड़ा फायदा हो जाता है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो प्लीज वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए, पसंद आए तब लाइक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसे ट्राई भी करेंगे। तो देखिए 2 मिनट के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़ का पाउडर, जैगरी पाउडर इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों चीनी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप यकीन मानिए कि चीनी से ज्यादा गुड़ अगर आप डालेंगे ना, तो गुड़ से ज्यादा टेस्टी ये लगता है हलवा।
हाँ थोड़ा सा कलर में फर्क पड़ जाएगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो कोई बात नहीं, अगर आप अपने लिए ही बना रहे हैं तो आप गुड़ ही डालिए, कलर से क्या है। लेकिन मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैं यहाँ ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ, मार्केट वाले भी डालते हैं और मुझे भी वीडियो आपके लिए अच्छा दिखाना है। आप भी बच्चों से कम थोड़ी है, आपको भी देखने में अच्छा लगेगा वीडियो बाहर थंबनेल, तभी आप वीडियो को देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको कलर अच्छा नहीं चाहिए तो फूड कलर मत डालिए, वैसे इससे कोई नुकसान नहीं होता है। थोड़ी देर इसे हम भून लेंगे। तो देखिए टोटल मुझे यहाँ हो गए हैं 5 मिनट इसे भूनते हुए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मावा जो हमने बनाया था, तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, पहले इसे हम मिक्स करके देखेंगे, अगर लगेगा कि मावे की जरूरत है तो और मावा डाल लेंगे। ये देखिए मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है, और दोस्तों टाइम आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये बर्तन पे भी डिपेंड करता है कि आपका बर्तन पतला है या मोटा है। और अब ये देखिए अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो गया तब मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा क्या जो बचा हुआ था ना वो सारा ही इसमें मावा डाल रही हूँ। तो जितना मावा आपको पसंद हो उतना आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन इतना मावा तो चलेगा ही, तभी बढ़िया टेस्ट इसमें आएगा। और यकीन मानिए इसमें लौकी का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, बच्चों को पसंद आएगा ही आएगा। अब इसमें मैंने डाल दिया इलायची का पाउडर। अगर आप इलायची का पाउडर नहीं डालना चाहते या नहीं है तो आप इलायची कूट कर डाल लीजिएगा, लेकिन फिर थोड़ा पहले डालिएगा, ये पाउडर है ना, तो इसलिए इसका फ्लेवर अभी आएगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी देर 2 मिनट के लिए और पकाना है, तो 2 मिनट पहले आप इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल लीजिए। इससे क्या होगा ना कि इसमें शाइन आएगी हलवे में। अगर आपको देसी घी ज्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। तो 2 मिनट के बाद लास्ट में आप डालिए इसमें ड्राई फ्रूट्स, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, 1-2 मिनट इसे और पका लीजिए। टोटल 10 मिनट में हमारा हलवा तैयार हुआ है। थोड़ी सी मैंने किशमिश डाल दी है, किशमिश को हमने फ्राई नहीं किया था क्योंकि हमारा हलवा गर्म है ना, गर्म हलवे में जब किशमिश जाएगी तो फूल जाएगी। अब बस 1-2 मिनट और पका लीजिए, और मेरा वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताया कीजिए, जिससे कि मैं आपका धन्यवाद कर सकूं और मुझे खुशी भी होती है। तो लीजिए हलवा हमारा तैयार है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबाइएगा। और पहले से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका दिल से धन्यवाद। देखिए झटपट से हमारा हलवा तैयार हो जाता है और हेल्दी भी है। अब बाजार से आपको मिठाई लाने की जरूरत नहीं है, बच्चे बड़े सभी को ये पसंद आने वाला है। वीडियो को जब आप ट्राई करेंगे ना, रेसिपी को ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अब आप भी गर्मा गर्म हलवा बनाइए, बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए और हेल्दी रहिए, यही मेरी दिल से दुआ है। और इसके जूस को फेंकिएगा नहीं, जूस तो बहुत बहुत ज्यादा काम का है, और बहुत ज्यादा देर जूस को रखना भी नहीं है, फ्रेश जब होगा ना तभी आप इसको पी लीजिएगा, तभी इसका आपको पूरा फायदा मिलेगा और इसका टेस्ट भी बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।